कैसे उठा? एक काम ठीक से नहीं हुआ। आज मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरे करियर का सवाल है, आज मेरा अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो मेरा प्रमोशन तो गया। हाँ हाँ सुबह से सुन चुकी हूँ, लेकिन 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 क्या? लेकिन माँ का क्या करेंगे? हाँ इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, माँ का क्या करेंगे? I can't let my boss meet her, सब खराब हो जाएगा। He is coming from America, वैसे फैमिली तो एनआरआई है पर वो खुद वहीं बोला पड़ा है। ठीक है रिलैक्स, विल फिगर आउट समथिंग। कुछ ना, अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये मेरे प्रमोशन का सवाल है। अगर चीफ ने माँ से कुछ पूछ लिया और माँ ने कोई अजीब सा जवाब दे दिया तो मैं क्या करूंगा? अच्छा पहले बैठो, आओ बैठो, कुछ ना कुछ देखते हैं। एक काम करते हैं, माँ की वो जो सहेली है ना जो पीछे रहती है, माँ को उनके घर भेज देते, रात भर वही रह लेंगी और कल सुबह जाकर तुम ले आना। नहीं नहीं मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का हमारे यहाँ फिर से आना शुरू हो, बड़ी मुश्किल से तो बंद कराया था, आएगी तो फिर माँ के कान भरना शुरू कर देगी, वैसे बहू के खिलाफ ही कान भरती है। तो तुम ही बताओ क्या करना है। अच्छा माँ से कहे कि माँ अपना जो 7 बजे तक अपना जो डिनर है वो कर ले और अपने कमरे में चली जाए, मेहमान करीब 8 बजे तक आएंगे, इससे पहले ही वो अपने सारे काम निपटा ले। हाँ ये अच्छा आइडिया है, पर अगर अंदर जाके माँ सो गई और खराटे लेने लगी तो? और तुम्हें तो पता है उनकी खराटों की आवाज पूरे घर में गूंजती है और फिर खाना तो यही लगेगा ना। ये एक नई मुसीबत है। अच्छा माँ से कहे कि माँ कमरे में जाके सोए ना, बस बैठी रहे और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। वाह, और अंदर जाके अगर माँ सो गए तो क्या करेंगे? खाना तो हो जाएगा पर ड्रिंक्स का क्या भरोसा, कभी कभी तो तुम 12-12 बजे रात तक पीते हो, तब तक क्या माँ जगी रहेंगी? ये सब ना तुम्हारी गलती है, अच्छी भली माँ भाई के घर जा रही थी और तुमने खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो और क्या करती, पूरे खानदान के सामने मैं ही बुरी बन जाती, लोगों को तो यही लगता ना कि माँ और बेटे के बीच में मैंने दरार डाल दी। और चलो माँ आई तो आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो यहीं चिपक कर बैठ जाएंगी। अच्छा ठीक है मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है तुम सोचते रहो, मुझे और भी काम है। माँ हो गई क्या पूजा? लाओ इस तरफ। अच्छा माँ सुनो, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज मेरे कंपनी के चीफ दावत पे आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता माँ आज कुछ भी गड़बड़ हो। तुम ना माँ आज 7 बजे तक अपना जो खाना पीना है वो निपटा लेना और अपने कमरे में चले जाना, ठीक है? ठीक है बेटा, पर घर में दावत है तो मांस मच्छी भी बना होगा और तुझे तो पता है जब घर में ये सब बनता है तो मैं खाना नहीं खाती। हाँ जो भी है वो तुम जल्दी कर लेना। अच्छा मुझे और भी काम है। हाँ माँ सुनो, पहले हम लोग ड्राइंग रूम में रहेंगे, तब तक तुम बरामदे में बैठना और जब हम लोग खाना खाने आए तो तुम ड्राइंग रूम चले आना, ठीक है? और हाँ माँ और एक बात, तुम ना कमरे में जाकर सोना मत, तुम्हारे खर्राटों की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। अब क्या करूं बेटा, जब से बीमारी से उठी हूं ना तब से नाक से सांस लेने में बड़ी ही तकलीफ होती है मुझे, और ये खर्राटे मेरे बस में कहां। अच्छा माँ आओ जरा सो बैठो। ऐसे नहीं माँ, पैर ऊपर करके कौन कुर्सी पर बैठता है, ये खाट थोड़ी ना है। और माँ तुम कपड़े कौन से पहनोगी? जो है वही पहनूंगी बेटा। अच्छा अभी ये जो पहना है ये ठीक है, लेकिन कुछ चूड़ियां वहां को पहन लेना, कोई हर्ज नहीं है।
चूड़ियाँ अब वो कहाँ से लाऊं बेटा, चूड़ियाँ जेवर सब तेरी ही पढ़ाई में बिक गया था। कौन सा नया राज छेड़ दिया माँ तूने? अरे साफ साफ कह दो कि नहीं है जेवर, बस इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या लेना देना। और जो जेवर बिका है तो कुछ बन के आया हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ और तुम सबको पाल रहा हूँ, कोई झक को नहीं मार रहा ना। और तुमने जितना दिया था ना मैं तुम्हें उससे दुगना वापस कर दूंगा। अरे बेटा ऐसे नाराज ना हो, मेरे मुंह से ना बस यूं ही निकल गया था, मैं थोड़ी ना तुझसे कुछ लूंगी अब। अच्छा ठीक है, दो घंटे बचे हैं बस चीफ कॉल में, मुझे तैयार होने जाना है। हाँ माँ, और एक बात, अगर चीफ गलती से सामने आ जाए और कुछ पूछ ले तो उनका ठीक ठीक से जवाब देना, ऐसे रोज की तरह गुमसुम मत करना बैठी रहना। पर बेटा मैं क्या ही जवाब दूंगी, मैं तो अनपढ़ हूँ, ना तो जानती हूँ और ना ही समझती हूँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ हो गई है, अब बस चीफ आने ही वाले हैं। आए नहीं अभी तक, मैं लेता हूँ। वेलकम चीफ, वेलकम, आइए आइए। हेलो श्यामनाथ, प्लीज थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, मीट माय वाइफ वंशिका। हेलो मैम। हेलो। और ये मेरी वाइफ शिवानिका। हेलो। ये आप लोगों के लिए छोटा गिफ्ट हमारी तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी चीफ? अच्छा आइए प्लीज, आप लोग बैठिए बैठिए। मैम आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए, मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। वैसे चीफ कमरे में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं कुछ खास तकलीफ। वैसे आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। मैं देख रही हूँ क्या बढ़िया इंतजाम किया, मैंने तो कहा था कि तुम्हें मजा आएगा, तुम ही आने से मना कर रही थी। हाँ ठीक ही है भाई, कमरे की सजावट भी कितनी सुंदर और यूनिक सी है भाई। हाँ अच्छा है, वरना शहरों में तो एक ही जैसी सजावट देखने को मिलती है। चीफ ये देखिए। अरे वाह श्यामनाथ भाई, ये तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा फेवरेट ब्रांड है, आई टोल्ड यू ना, दिस इज श्यामनाथ फॉर यू ऑलवेज। लाइए चीफ, मैं अभी लेता हूँ। How do you do? चीफ मेरी माँ गांव से है ना,
उम्र भर गांव में रही है इसीलिए आपसे शर्मा रही है। माता जी गांव से हैं? आप सब लोग गांव के रहने वाले हो? शामनाथ, मुझे गांव के लोग दरअसल बड़े पसंद हैं। बचपन में ना मेरी जो माता जी थी वो कहानियाँ और गाने सुनाया करती थी गांव में। अच्छा? हाँ, मुझे बड़ा पसंद था। तुम अपनी माँ से कहो ना कोई आज गाना सुना दे तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल चीज, माँ साहब को पुराने गीत पसंद है, अरे उन्हें कोई बढ़िया से गीत सुना दो, तुम्हें तो कितने याद है ना। हाँ बेटा, पहले तो काफी गीत याद थे पर अब काफी समय हो गया। अरे माँ, मेहमानों का ऐसे कहा कोई थोड़ी टालता है, कुछ भी सुना दो। बस तुम तो गाने सुना दीजिए ना। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अरे माम, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। नहीं नहीं, अब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, माँ सुनाएंगी ना। माँ, तुम्हें तो कितने गीत याद थे, स्वेटर बुनते टाइम तुम गाती थी ना। वही कोशिश तो कर रही हूँ याद करने की। हाँ, एक गीत याद आया मुझे। मैं अपने गांव में सहेलियों के साथ गाया करती थी। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा। गांव का अंगना, नहीं नहीं, गांव का अंगना आप मेरे सजना, रैया देखे नैना। गांव का अंगना आप मेरे सजना, रैया देखे नैना। देख देख अब जग बिसराए, देख देख अब जग बिसराए, नींद ना आए चैना, नींद ना आए चैना। अरे मोर सखिया बहुत अच्छा माँ जी, बहुत अच्छा। गांव की याद दिला दी आपने, आज तो मजा ही आ गया। माता जी से इतना अच्छा गाना भी सुन लिया और श्यामनाथ तुम्हारे घर की सजावट देख के भी बड़ा मजा आया। हमें तो देखने को मिलती नहीं श्यामनाथ, बस हम भी इतना ही चाहते हैं कि ऐसी सजावट अपने घर पर भी करें। अरे बिल्कुल जी, मैं आपको ना उन सब इन सब चीज़ों की सेट बनाकर भेंट करूँगा। नहीं नहीं, दुकानों की बनी चीज़ें नहीं चाहिए, गांव में जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है ना ऐसी चीज़ें। अरे गांव में तो औरतें अपने हाथों से बनाती है गुड़िया और फुलकारी। हाँ फुलकारी, फुलकारी, ये फुलकारी क्या होता है? फुलकारी मतलब फूलों की कलाकारी। ये एक तरह की कढ़ाई होती है जो कपड़े पे करते हैं, गांव की औरतें करती है और काफी बारीक काम होता है ये। हाँ जी, और ये गांव की औरतें बहुत शौक से करती हैं। और ये तो आपको गांव के हर एक घर में मिल जाएगी। बिल्कुल, ऐसी चीज तो हम भी देखना चाहेंगे। माँ, कोई पुरानी फुलकारी है क्या घर में? हाँ बेटा, वहाँ उस अलमारी में पड़ी थी, जरा वहाँ जाके देखना तो। मैं भी देखते। अच्छा, गांव में और क्या क्या बनता है? गांव में तो बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे टोकरियाँ, चटाइयाँ, मिट्टी के बर्तन और कढ़ाई बुनाई का काम तो होता ही है। बड़ी बात है। ये देखिए फुलकारी। अरे वाह वाह वाह। और ये तो माँ ने अपने हाथों से बनाई है। बहुत सुंदर है माँ जी। और इसमें कढ़ाई का काम देखिए कितनी बारीकी से किया गया है। काफी ज्यादा सुंदर है। वैसे ये थोड़ी पुरानी हो गई है जी, लेकिन मैं आपको एक नई फुलकारी बना के दूंगा। माँ बना के देगी ना? क्यों माँ, बना दोगी ना सबको? पर बेटा मुझे आपको से वो जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। थैंक्स माँ जी। अच्छा चलिए, अब खाना खा लें क्या? हाँ चलिए। आप भी चलिए जी, वो पहले खा चुकी हैं, आप लोग चलिए ना। ठीक है। हम लोग जो सोच रहे थे सब उसके उल्टा ही हुआ। हाँ जी, बस सो इंप्रेस्ड बाय मॉम, बस अब तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। हाँ अच्छा, तुम ये अच्छा तुम समेटो सब सारा सामान और मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मैं भी आती हूँ। हाँ माँ, अरे माँ सुनो तो जरा। क्या हुआ बेटा, मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? जानबूझ कर नहीं सोई थी मैं, मेरी आँख लग गई थी। तू ना ऐसा कर, मुझे हरिद्वार भेज दे। अरे माँ ये कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूँ बेटा, मैं वैसे भी अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, तुम लोग ये अपने तौर तरीके से रहना, मैं वहाँ आराम से रह लूंगी। ये क्या बोल रही हो माँ, अरे आज तो तुमने रंग जमा दिया, जी बहुत खुश हुए और लगता है कि अब मेरी तरक्की पक्की है। माँ
सही में तेरी तो लड़की? हाँ हाँ माँ, चीर बहुत खुश थे। और अब ना तुम ये हरिद्वार वरिद्वार जाने की बात छोड़ दो, वरना लोग क्या बोलेंगे कि बेटा और बहू माँ को भी नहीं संभाल पाए। और वैसे भी अगर तुम चली गई तो फुलकारी कौन बनाएगा ना? हाँ माँ, बस तुम ये फुलकारी बना दो ताकि चीख मुझे तरक्की दे दे। पर बेटा मुझे अब आंखों से बहुत धुंधला दिखाई दे। क्या माँ, तुम अपने बेटे की तरक्की के लिए इतना नहीं कर सकती? मैंने चीख को जबान दी है माँ। अच्छा, तेरी तरक्की का सवाल है, मैं बना दूंगी। सच में बना दूंगी ना माँ? हाँ हाँ, जैसे बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। अच्छा माँ, तुम अब आराम करो, कल सुबह फुलकारी बनाने के लिए जो सामान चाहिए मैं ला दूंगा। अच्छा आराम करो माँ, चलो। अम्मा फुलकारी बना देगी, अब तो उस तक तुम्हारा प्रमोशन पक्का। हाँ, अब तो मेरा प्रमोशन कोई नहीं हो सकता। समझ नहीं आता कैसा जमाना आ गया है, हर चीज को पैसे से तौला जाता है। वो पूछता है मैं फुलकारी बनाऊंगी या नहीं, मैं पूछती हूँ मैंने जीवन भर और किया ही क्या है, सब कुछ उसकी तरक्की और सुखी जीवन के लिए ही किया। मेरे जेवर के पैसे लौटाना चाहता है, कोई उससे पूछे मैंने जीवन भर जो प्यार और ममता उस पर खर्च किए हैं वो कब लौट आएगा? क्या उसकी इस जमाने में कोई कीमत नहीं रही है? अपने दोस्तों से मिलवाने में उसको शर्म आती है, जैसे मैं उसकी माँ नहीं, घर में पड़ी कोई पुरानी टूटी खाट हूं। अब मुझसे वो सहा नहीं जाते, इन बूढ़ी आंखों में जितनी रोशनी बची है उससे फुलकारी बनाऊंगी और फिर चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। हजारों दुखड़े सहती है माँ, फिर भी कुछ न कहती है माँ। हमारा बेटा भले और भूले यही तो मंत्र पढ़ती है माँ। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती।